हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जुम्मा किचन। आज हम बनाएंगे हनी चिली पटेटो। हम अपने हनी चिली पटेटो को दो बैचेस के अंदर बनाएंगे। सबसे पहले हम बनाएंगे क्रिस्पी पटेटोज, फिर हम बनाएंगे इसकी सॉस। तो क्रिस्पी पटेटोज बनाने के लिए हम इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले हमने लिए हैं ये पटेटोज। ये 6-7 बड़े पटेटोज थे, आलू थे। इसको मैंने ऐसे फ्राइज के शेप में काट के इसे पानी में भिगो के रख दिया था। और हमें चाहिए ये मैदा और राइस फ्लार। ये हमने लिया है कॉर्न फ्लार। और हमें चाहिए सॉल्ट। तो सबसे पहले हम अपने पटेटोज को बॉईल कर लेंगे। हमने ये कढ़ाई ले ली है, इसमें पानी डाल दिया है, ये गर्म हो गया है। अब हम अपने इसमें फ्राइज डाल देंगे। और अब हम इसे सिर्फ 5 मिनट बॉईल करेंगे और फिर इसे निकाल लेंगे। हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा सॉल्ट। मेरे आलू यहाँ पे मैंने इसे 5 मिनट बॉईल कर लिया है। अब मैं इसके ऊपर ड्राई कोटिंग लगाऊंगी। ये इक्वल अमाउंट के अंदर राइस फ्लावर और मैदा है। अब मैं ये इसके ऊपर इसकी ड्राई कोटिंग लगाऊंगी। इसे अच्छे से आप मिक्स कर लें। मैंने ये इसके ऊपर ड्राई कोट कर लिया है। अब मैं इसके लिए एक वेट बैटर बनाऊंगी, फिर इसको हम फिर से उस वेट बैटर से कोट कर। अब हम अपना बैटर बनाएंगे। उसके लिए मैंने लिया है ये 1 कप मैदा, 1/2 कप कॉर्नफ्लावर। और अब हम इसका एक बहुत थिक बैटर बनाएंगे। पतला नहीं बनाना, तो आप आराम आराम से पानी डालें। हमने ये बैटर बना लिया है। इसे अच्छे से हमने मिक्स किया है ताकि इसमें कोई लम्स नहीं रहे। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, ना ही बहुत थिक है ना ही बहुत ज़्यादा पतली है। ये पकोड़ों वाली कंसिस्टेंसी हमें रखनी है इसकी। अब हम अपने ये फ्राइज इस वेट बैटर के अंदर डालेंगे। हमने ये अच्छे से वेट जो कोट था अच्छे से कोट कर लिया है इसको। ये अच्छे से आप देख सकते हैं कोटिंग हो चुकी है। अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। हमने एक कढ़ाई ले ली है, उसमें तेल डाल दिया है। अब हम अपने थोड़े थोड़े करके इसमें फ्राइज डालेंगे। हमने ये फ्राइज इस तेल में डाल दिए हैं। अब हम इसे क्रिस्पी ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पर। आप इसके अंदर चम्मच ज़्यादा नहीं चलाएं, वरना आपके सारे फ्राइज जो हैं ये टूट जाएंगे और बैटर भी सारा हट जाएगा। हमारे जो आलू हैं वो रेडी हो गए हैं। अब हम देख लेते हैं हमें ग्रेवी के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। हमें चाहिए ये सोया सॉस, रेड चिली सॉस, हनी। हमने लिए हैं ये 2 बड़े प्याज, इसको अच्छे से ऐसे स्लिट करके काट लिया है। स्प्रिंग अनियंस के ग्रीन लिए हैं हमने, कैप्सिकम लिए हैं उसे भी ऐसे स्लिट कर लिया है, ग्रीन चिलीज 1 ग्रीन चिली लिए हमने उसे ऐसे काट लिया है। हमें चाहिए टमेटो केचप, कॉर्नफ्लावर, शुगर, सॉल्ट और हमें चाहिए ये तिल। अब हम अपनी सॉस बनाएंगे। हमने वही कढ़ाई ले ली है और हमने इसमें थोड़ा तेल डाल लिया है। अब हम इसमें डालेंगे गार्लिक। मिक्स कर दें। इसमें डालें रेड चिलीज, ग्रीन चिलीज सॉरी। इसे 2 मिनट फ्राई कर लें। हमारे चिलीज और गार्लिक अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे अपने अनियन। इसमें डालेंगे कैप्सिकम और इसे 2 मिनट फ्राई कर लेंगे। हमारे वेजिटेबल्स अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब इसमें डालेंगे नमक, शुगर, डालेंगे
3 टेबलस्पून ये चिली सॉस, इसमें डालेंगे हम 1 टेबलस्पून सोया सॉस, अब हम इसमें डालेंगे केचप, अब हम अपनी सॉस में डालेंगे आधा ग्लास पानी, अब हम इसमें डालेंगे ये कॉर्नफ्लावर, मैंने इसको पानी में डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब हम अपनी सॉस में ये डाल देंगे। हमारी सॉस अच्छे से थिक हो गई है, ये रेडी हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़े से सेसमी सीड तिल। हमारी सॉस जो है ये रेडी हो गई है, अब हम इसमें अपने फ्राइज डाल देंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर दें। हमारे चिली पटेटोज में अब हम डालेंगे ये ग्रीन अनियंस, स्प्रिंग अनियंस, अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून हनी। हमारे चिली पटेटोज एकदम रेडी हो चुके हैं, ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी लग रहे हैं, अब हम इसे डिश आउट। हमारे हनी चिली पटेटो रेडी हो गए हैं, मैंने इसे तिल और ग्रीन अनियन के साथ गार्निश कर दिया है, ये बहुत ही स्पाइसी और टेस्टी बने हैं। आप ज़रूर इसे अपने घर पे बनाएं और मुझे बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी हो। अगर आपको ये डिश मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को बहुत सारे थम्स अप्स दें, कॉमेंट करें, इसे शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू सो मच।